ऑलराइट, जुलाई का महीना स्मार्टफोन्स के लिए जबरदस्त था। इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए पूछेगा मत, और बहुत सारे लोगों ने खरीदे भी क्योंकि सेल वगैरह भी थे। और अगर आपने नए स्मार्टफोन्स लिए हुए उसके ऊपर कुछ नए एप्स भी चाहिए जो लोगों को पता नहीं है बट दे आर सुपर डुपर ऊबर यूजफुल। जी हाँ, इतने ज्यादा यूजफुल। इनफैक्ट आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एप्स बताने वाला हूँ जो आपके फोन पे होने ही चाहिए। जी हाँ, ये सीरीज हम किया करते थे पहले, लेकिन अब इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। बट अब दोस्तों हम ये सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग एप्स आप तक लेके आने वाले हैं, और इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर महीने 2 वीडियोस आने वाले हैं जहां पे हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एप्स आपको बताने वाले हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। पहला वाला जो है दोस्तों, ये बेसिकली आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कराएगा। यस, और इतना अच्छा है दोस्तों पूछेगा मत, ये है नोकिया 1280 लॉन्चर। अगर एप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कम से कम एक लॉन्चर तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा अलग, जिसकी वजह से आपका फोन जो है वो स्टैंड आउट होगा। एंड नोकिया 1280 लॉन्चर जो है दोस्तों जबरदस्त है। अब दोस्तों दिखाता हूं आपको, ये जो है ये है नथिंग फोन पीछे से, लेकिन आगे से देखिए, दिस इज द लॉन्चर। इट्स अ ब्यूटीफुल लॉन्चर। ऑब्वियसली फोन कॉल्स वगैरह आपको करने हैं तो आप कर पाओगे, जैसे आप नोकिया 1280 पे करते थे। एप्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आप एप्स भी एक्सेस कर पाओगे। जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और लाइट वेट है, 22 MB का ही है, एंड बहुत ही ऑथेंटिक फील करता है। थोड़ा चेंज आपको चाहिए, डेफिनेटली आपने ये ट्राई करना चाहिए। और वैसे ऐप्स जो भी बता रहा हूँ दोस्तों उसके लिंक्स दे रहा हूँ, लेकिन अभी मत देखिएगा, अगले जो 4 ऐप्स हैं वो सुनिए ठीक तरह से। फॉर एग्जाम्पल कलराइज, आजकल AI की वजह से क्या क्या होने लग गया है दोस्तों। सीरियसली आई मीन समथिंग वी थॉट वॉज नॉट पॉसिबल ये AI करता है। और ये जो है ये बेसिकली कलराइज जो है ये आपके पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर करता है, और बहुत ही एक्यूरेटली करता है। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और हमने अलग अलग एप्स टेस्ट भी किए, लेकिन ये जो कलराइज है ना वो बहुत ही एक्यूरेटली करता है, बहुत नेचुरल लगते हैं फोटोज, ऐसे लगते नहीं है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है। तो आपके पास अगर पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है उनको कलराइज वगैरह आपको करना है, डेफिनेटली आप इस ऐप को इस्तेमाल कर पाओगे, कलराइज, कलर योर ओल्ड फोटोज। थोड़ा बड़ा है, 70 MB का ऐप है, बट इट इज वर्थ एवरी MB। दोस्तों ये जो अगला वाला ऐप है ना, यू वुडंट इमेजिन दैट इट एग्जिस्टेड, वासावी नाम है इसका, सिर्फ 10 MB का ऐप है। पता है क्या करता है, व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस जो है वो शेड्यूल करता है। जी हाँ, इसका मतलब आपके दोस्त का किसी का बर्थडे होगा, रात को 12 बजे आपको विश करना है, अभी दोस्तों आप पहले ही उसे शेड्यूल कर पाओगे और बराबर रात को 12 बजे उसे मैसेज आएगा हैप्पी बर्थडे। तो ऐसी चीजें अगर आपको करनी है डेफिनेटली वासावी ये आपने इंस्टॉल करना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आप भेजते हो लेकिन एक टाइम पे आपको भेजना है, डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट। और उतना ही नहीं दोस्तों, ऑटो सेंड मैसेजेस वगैरह शेड्यूल वगैरह तो कर पाओगे, लेकिन आप मैसेजेस को टास्क, नोट्स, रिमाइंडर्स में भी कन्वर्ट कर पाओगे। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया है और आपको उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है तो आप वासावी के थ्रू कर पाओगे। डिड यू नो दिस काइंड ऑफ ऐप एग्जिस्टेड, जहां पे आप शेड्यूल कर पाते हो वो भी व्हाट्सएप के मैसेजेस। तीसरा जो है बहुत ही ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हो, यू आर गोइंग टू लव दिस कीबोर्ड, टोंडो कीबोर्ड। मुझे पता है आपने सुना भी नहीं होगा, सिर्फ 22 MB का है, क्वालिटी कीबोर्ड है, लेकिन उसका जो लेआउट है दोस्तों इट इज इन सर्कल्स एंड बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह, तो आपका जो टाइपिंग का स्पीड है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, एट स्टार्ट यू विल टेक सम टाइम टू गेट यूज टू इट, लेकिन एक बार आप यूज टू हो गए तो ये टोंडो कीबोर्ड आपका टाइपिंग स्पीड लिटरली डबल नहीं ट्रिपल कर देगा। और सिर्फ टाइपिंग के बारे में नहीं, बाकी सब जो नॉर्मल कीबोर्ड में इमोजीज वगैरह होते हैं वो सब चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप फास्ट टाइप कर पाओगे, विदाउट एनी एरर्स टाइप कर पाओगे, सो यू आर सेविंग टाइम, राइट। एंड फाइनली ये जो है, ये रात को जाग के बहुत ज्यादा जो उनका स्मार्टफोन देखते हैं, स्वाइप वगैरह करते हैं, उनके लिए ये ऐप है। जी हाँ, ये है स्क्रीन एंड नोटिफिकेशन डिमर। अब रात को दोस्तों आपको पता है, जी हाँ, हम ब्राइटनेस जो है डिस्प्ले का वो कम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे स्मार्टफोन्स होते हैं सबसे कम ब्राइटनेस में रखने के बाद भी बहुत ब्राइट होता है अगर टोटल अंधेरा होगा तो। ये जो है ऐप बेसिकली बहुत ही कम कर देता है आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस, और वो भी ऑटोमेटिकली। आप शेड्यूल भी कर पाओगे कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये होना चाहिए, एकदम डिम होना चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा। और याद रखिए, नोटिफिकेशन भी डिम करता है। बहुत बार क्या होता है, दूसरे ऐप्स जो है दोस्तों आपका स्क्रीन तो डिम कर देते हैं, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन पैनल नीचे लेके आते हो तो वो ब्राइट होता है। और हाँ, अगर रात को आपको सडनली ब्राइट स्क्रीन चाहिए तो सिर्फ शेक कीजिए, इमीडिएटली नॉर्मल स्क्रीन ब्राइटनेस पे आ जाएगा, फिर से शेक कीजिए, डिमर पे चला जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो, इट्स अ शॉर्टकट जेस्चर से आप कम ज्यादा कर पाओगे, और जैसे मैंने कहा स्केड्यूल वगैरह तो कर ही पाओगे। वैसे दोस्तों और एक चीज, आप जो भी कलर टिंट चाहिए वो रख पाओगे, किसी किसी को ब्लू अच्छा लगता है, किसी को रेड अच्छा लगता है, तो वो कलर टिंट भी आप फोन पे रख पाओगे जब स्क्रीन डिम होती है। सो दैट इज दैट। चलिए, ये तो मेन ऐप्स हो गए, लेकिन एक बोनस ऐप भी देता हूँ, ये गेमर्स के लिए, बहुत सारे गेमर्स हमारे फॉलोअर है, तो मैं आपको ये ऐप बताता हूँ, और वो हम इस्तेमाल करते हैं, एम लैब। मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे
इधर इरशाद साजिद वगैरह जो गेम्स बहुत ज्यादा करते हैं ना, वो एम लैब इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपका जो एम होता है फर्स्ट पर्सन शूटिंग में वगैरह जब आप एम करते हो, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये ऐप है। थोड़ा बड़ा है, 200-250 MB का ऐप है दोस्तों, लेकिन अगर आप गेमर हो, आपको अगर और भी ज्यादा किल्स लेने हैं, चिकन डिनर आपको चाहिए, तो एम लैब जरूर ट्राई कीजिएगा। वेरी नाइस टू इंप्रूव योर एम। वैसे बहुत ही जल्दी एक वीडियो आ रहा है दोस्तों, AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से कोई ऐप अच्छा लगा, इसमें से कोई ऐप अपने इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट्स में बताइए। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।